2023 में भारत का पहला इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनने से भारत के सराफा व्यापार को वैश्विक बाजार मिला है। विश्व के सभी देशों में सोने व चांदी के आयात व निर्यात के रास्ते खुले हैं। भारत के सराफा व्यापारियों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इब्जा कॉन्क्लेव में आगरा की विभिन्न सराफा एसोसिएशन ने भाग लिया। 2023 में भारत का पहला इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनने से भारत के सराफा व्यापार को वैश्विक बाजार मिला है। विश्व के सभी देशों में सोने व चांदी के आयात व निर्यात के रास्ते खुले हैं। भारत के सराफा व्यापारियों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। भारत में चांदी की ज्वेलरी की 70% मैन्युफैक्चरिंग आगरा में होती है। भविष्य में भारत का चांदी का व्यापार विश्व स्तर पर सोना साबित होगा। वर्षते सही व योजनाबद्ध तरीके से वैश्विक बाजार में उतरा जाए, यह जानकारी सराफा बाजार से जुड़े विशेषज्ञों ने वैश्विक स्तर पर भारत के सराफा बाजार को मजबूती दिलाने के उद्देश्य से संजय पैलेस स्थित होटल हॉलिडे इन में इब्जा कॉन्क्लेव आगरा में व्यापारियों के साथ साझा की। कॉन्क्लेव का आयोजन इंडियन बुलिसन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन आगरा, सराफा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आगरा, सराफा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आगरा, सराफा एसोसिएशन व श्री सराफा कमेटी आगरा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया कि 2023 से पहले भारत के सराफा व्यापार लंदन बुलियन एक्सचेंज पर निर्भर थे और अन्य देशों में सोने चांदी का निर्यात भी नहीं कर सकते थे। आज हम लोगों ने ज्वेलर्स बंधुओं के लिए खासतौर से सराफा में जो आज आगरा में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चांदी के आइटम्स की, उसके ऊपर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज MSME और तमाम तरीके के डिपार्टमेंट्स इस सेमिनार में हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जो कि आज की तारीख में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा उनकी समस्त नियमावली के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स जितने भी लोग काम करने वाले हैं पूरे विश्व में, जो कि आपको पता है कि आगरा की ज्वेलरी पूरे विश्व में प्रचलित है और यहीं से पूरे विश्व में प्रचारित भेजी जाती है। अभी जो ये सेमिनार यहाँ होने जा रहा है, जो आगरा एक हमारी बहुत ही प्राचीनतम मंडी जिसको हम बोलते हैं, जो सदियों से सिल्वर का एक चांदी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, अब इसको हम बोलेंगे जो काफ़ी समय तक से पुराना है और एक इंडस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी है, इसको कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो अभी गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में नए नए रूल्स रेगुलेशन ला रही हैं, तो उसको हम किस तरह से आगे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को, जो भी स्कीम गवर्नमेंट हमको देने जा रही है उसको बेनिफिट को लेते हुए हमारे देश का निर्यात कितना हम बढ़ा सकते हैं और जो हमारी कला यहाँ की है उसको पूरे विश्व में हम कैसे पहुँचा सकें। जो इस MSME के नेपाल ने PMS स्क्रीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे अपने उत्पाद की प्रदर्शनी, कैसे व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। देश विदेश में प्रदर्शनी के लिए भारत सरकार अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिससे छोटा व्यापारी भी सुगमता से विश्व स्तर पर अपना व्यापार कर सके। एक अच्छा प्रयास इब्जा और SSI द्वारा हो रहा है आगरा के व्यापार में। इस प्रकार का सम्मेलन जो हो रहा है, इसमें MSME और बुलियन एक्सचेंज के बारे में हमने काफ़ी जानकारियाँ यहाँ लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आगरा के सराफे व्यापार को एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इससे निश्चित रूप से व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा। मैं इब्जा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम आगरा की इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए रखा है। उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो MSME डिपार्टमेंट से जो सराफा व्यवसायियों को मिलने वाली बहुत सारी सब्सिडीज और सुविधाएं हैं, उन सभी को यहाँ जानकारी सभी व्यापारियों को दी जाएगी। एक भारत सरकार द्वारा बुलियन इंपोर्ट के लिए IIBX एक संस्था का गठन किया है, उससे उसमें जो रूल्स रेगुलेशन और जो लोग इसके पात्र हैं उन सभी को यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके लिए यहाँ एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो यह जानकारी देंगे। ये आज हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है इब्जा के अंतर्गत, जो आजकल नए नए कानून हैं, नई नई गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको आज
इस बात की जानकारी दिया है हमको किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है और किस तरह से हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। तो जी इफ्जा ने जो कार्यक्रम किया वो आगरे के सर्राफा के लिए बड़ा हितकर है, क्योंकि आगरे का व्यापार हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्यापार है और जिसमें सिल्वर ज्वेलरी जो हम अन्य और चलते हैं, मतलब उसको हम आगे बढ़ाएंगे और सही जो गवर्नमेंट की सुविधाएं उनका फायदा ले सकेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से इब्जा के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता, नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी, IIBX के निदेशक अशोक गौतम, SSI के निदेशक श्रीकांत, भारतीय मानक ब्यूरो से तरुण दीक्षित, सोमदत्त सोनकर आदि उपस्थित थे। मुन्नी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।